वल well, तो जी बहुत सारी मूवीज़ देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज़्यादातर मूवीज़ किस तरह तरह की देखी हैं मैं बता देता हूँ आप लोगों ने ज़्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज़ ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गत्ता कुश्ती के में के ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहां पर रिलीज की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन दी गई कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी

आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली दे, देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी easily अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग easily अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीजों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई यू वो नहीं लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बी को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज में आर टी टीम वर्क और डबल वी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रेड जॉइंट मूवीज देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज्यादातर मूवीज किस तरह की देखी हैं मैं बता देता हूं आप लोगों ने ज्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज़ ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गत्ता कुश्ती के बारे I में mean. कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन दी गई क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में भी हमें मज़ा आएगा तो यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को चेला आयुवू देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने जो पास्ट में मूवीज़ लेते हैं तो यहां पर इन्होंने पास्ट में है, 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 उसी के साथ साथ यहाँ पर काला मूवी भी उन्होंने ही दी है आलवर उन्होंने दी है सिंगुम टू उन्होंने दी है गत्ता कुश्ती और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई यू वो नहीं लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा, विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बीजीएम को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज में आर टी टीम वर्क और डबल वी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रेड जॉइंट मूवीज देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल well, तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज़्यादातर मूवीज किस तरह की देखी हैं मैं बता देता हूं आप लोगों ने ज़्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज़ ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गत्ता कुश्ती के में के ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहां पर रिलीज की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो so, इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन दी गई कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में भी हमें मज़ा आएगा तो यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को चेला आयुवू देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने जो पास्ट में मूवीज़ लेते हैं तो यहां पर इन्होंने पास्ट में like है, है। उसी के साथ साथ यहाँ पर काला मूवी भी उन्होंने ही दी है आलवर उन्होंने दी है सिंगुम टू उन्होंने दी है गत्ता कुश्ती और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली दे, देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई वो नहीं लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बीजीएम को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज में आर टी टीम वर्क और डबल वी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रेड जॉइंट मूवीज देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज्यादातर मूवीज किस तरह की देखी हैं मैं बता देता हूँ आप लोगों ने ज़्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज़ ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गत्ता कुश्ती के के I में mean. कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन दी गई कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में भी हमें मज़ा आएगा तो यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को चेला आयुवू देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने जो पास्ट में मूवीज़ लेते हैं तो यहां पर इन्होंने पास्ट में like है, है। उसी के साथ साथ यहाँ पर काला मूवी भी उन्होंने, ही दी उन्होंने दी है अलवर उन्होंने दी है सिंगुम टू उन्होंने दी है गत्ता कुश्ती और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा दे, डेफिनेटली देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई वो नहीं लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बीजीएम को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज में आर टी टीम वर्क और डबल वी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रेड जॉइंट मूवीज देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज्यादातर मूवीज किस तरह की देखी हैं मैं बता देता हूं आप लोगों ने ज़्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज़ ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गत्ता कुश्ती के में के ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहां पर रिलीज की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन दी गई कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में भी हमें मज़ा आएगा तो यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को चेला आयुवू देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहां पर इन्होंने जो पास्ट में मूवीज दी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने यहां पर वीरन दी है मास्टर दी है उसी के साथ साथ यहां पर काला मूवी भी उन्होंने ही दी है आलवर उन्होंने दी है सिंगुम टू उन्होंने दी है गत्ता कुश्ती और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली दे, देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में सेलेक्ट दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई वो नहीं लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बी को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज में आर टी टीम वर्क और डबल वी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रेड जॉइंट मूवीज देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज्यादातर मूवीज किस तरह की देखी हैं मैं बता देता हूं आप लोगों ने ज़्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज़ ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गत्ता कुश्ती के में के ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहां पर रिलीज की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी परसेंट तक लाइक like किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम डोरेन दी गई कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी

क्योंकि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली दे, देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई वो नहीं लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बीजीएम को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज़ में टीम और डबल वी स्टूडियोज़ देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को देखने को मूवीज़ देखने मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज्यादातर मूवीज किस तरह की देखी है मैं बता देता हूँ आप लोगों ने ज्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज़ ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गत्ता कुश्ती के में के ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहां पर रिलीज की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन दी गई कि आई बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्योरेन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में भी हमें मज़ा आएगा तो यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को चेला आयुवू देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहां पर इन्होंने जो पास्ट में मूवीज दी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने यहां पर वीरन दी है मास्टर दी है उसी के साथ साथ यहां पर काला मूवी भी उन्होंने ही दी है आलवर उन्होंने दी है सिंगुम ट्रू उन्होंने दी है गत्ता कुश्ती और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा दे, डेफिनेटली देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में सेलेक्ट दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई यू वो लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बीजीएम को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज में आर टी टीम वर्क और डबल वी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रेड जॉइंट मूवीज देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज़्यादातर मूवीज किस तरह की देखी हैं मैं बता देता हूं आप लोगों ने ज़्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गत्ता कुश्ती के में के ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहां पर रिलीज की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी परसेंट तक लाइक like किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम डोरेन दी गई कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी

क्योंकि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली दे, देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी easily अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग easily अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की -सारी, सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई यू वो लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बीजीएम को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज़ में टीम और डबल वी स्टूडियोज़ देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को देखने को मूवीज़ देखने मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज्यादातर मूवीज किस तरह की देखी है मैं बता देता हूँ आप लोगों ने ज्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गत्ता कुश्ती के में के ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहां पर रिलीज की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन दी गई कि आई बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्योरेन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में भी हमें मज़ा आएगा तो यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को चेला आयुवू देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहां पर इन्होंने जो पास्ट में मूवीज दी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक like इन्होंने यहां पर वीरन दी है मास्टर दी है उसी के साथ साथ यहां पर काला मूवी भी उन्होंने ही दी है आलवर उन्होंने दी है सिंगुम ट्रू उन्होंने दी है गत्ता कुश्ती और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा दे, डेफिनेटली देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में से दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की -सारी, सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीजों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई यू वो नहीं लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बी को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज में आर टी टीम वर्क्स और डबल वी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रेड जॉइंट मूवीज देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज़्यादातर मूवीज़ किस तरह तरह की देखी हैं मैं बता देता हूँ आप लोगों ने ज़्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गत्ता कुश्ती के में के ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहां पर रिलीज की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी परसेंट तक लाइक like किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम डोरेशन दी गई कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी

क्योंकि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा दे, डेफिनेटली देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की -सारी, सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई यू वो लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बी को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज़ में टीम और डबल वी स्टूडियोज़ देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को देखने को मूवीज़ देखने मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज्यादातर मूवीज किस तरह की देखी हैं मैं बता देता हूँ आप लोगों ने ज्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गत्ता कुश्ती के बारे में कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम डोरेशन दी गई कि ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्योरेशन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में भी हमें मजा आएगा तो यहां पर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को चेला आयुवू देखने को मिलेंगे उसी के साथ-साथ यहां पर इन्होंने जो पास्ट में मूवीज दी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक like इन्होंने यहां पर वीरन दी है मास्टर दी है उसी के साथ-साथ यहां पर काला मूवी भी उन्होंने ही दी है आलवर उन्होंने दी है सिंगम ट्रू उन्होंने दिया है गत्ता कुश्ती और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली दे, देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई यू वो नहीं लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे की की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस की यहाँ को इस मूवी पर संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग एंड बीजीएम को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज में आरटी टीम वर्क्स और डबल वी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रेड जॉइंट मूवीज देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन है वेल तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज्यादातर मूवीज किस तरह की देखी हैं मैं बता देता हूं आप लोगों ने ज्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गत्ता कुश्ती के में के ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहां पर रिलीज की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रे रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ तो हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम डोरेन दी गई कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी

क्योंकि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा दे, डेफिनेटली देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई यू वो नहीं लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बी को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज़ में टीम और डबल वी स्टूडियोज़ देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को देखने को मूवीज़ देखने मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज्यादातर मूवीज किस तरह की देखी है मैं बता देता हूँ आप लोगों ने ज्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गत्ता कुश्ती के में के ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहां पर रिलीज की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो so इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन दी गई कि आई बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्योरेन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में भी हमें मज़ा आएगा तो यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को चेला आई देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहां पर इन्होंने जो पास्ट में मूवीज दी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक like इन्होंने यहां पर वीरन दी है मास्टर दी है उसी के साथ साथ यहां पर काला मूवी भी उन्होंने ही दी है आलवर उन्होंने दी है सिंगुम टू उन्होंने दी है गत्ता कुश्ती और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली दे, देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में से दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की -सारी, सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई यू वो नहीं लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे की की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस की यहाँ को इस मूवी पर संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बीजीएम को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज में आर टी टीम वर्क और डबल वी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रेड जॉइंट मूवीज देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज़्यादातर मूवीज किस तरह तरह की देखी हैं मैं बता देता हूँ आप लोगों ने ज़्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गत्ता कुश्ती के बारे में कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने, देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम डोरेशन दी गई कि आइए बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी

क्योंकि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली दे, देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई यू वो नहीं लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बी को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज में आर टी टीम वर्क और डबल वी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रेड जॉइंट मूवीज देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज्यादातर मूवीज किस तरह की देखी हैं मैं बता देता हूं आप लोगों ने ज़्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही शोर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गत्ता कुश्ती के के में कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन दी गई कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में भी हमें मजा आएगा तो यहां पर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को चेला आयुवू देखने को मिलेंगे उसी के साथ-साथ यहां पर इन्होंने जो पास्ट में मूवीज दी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक like इन्होंने यहां पर वीरन दी है मास्टर दी है उसी के साथ-साथ यहां पर काला मूवी भी उन्होंने ही दी है आलवर उन्होंने दी है सिंघम टू उन्होंने दिया है गत्ता कुश्ती और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली दे, देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई यू वो नहीं लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे की की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस की यहाँ को इस मूवी पर संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बीजीएम को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज में आर टी टीम वर्क और डबल वी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रेड जॉइंट मूवीज देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज़्यादातर मूवीज किस तरह तरह की देखी हैं मैं बता देता हूँ आप लोगों ने ज़्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गत्ता कुश्ती के के में कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम डोरेशन दी गई कि आई बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेसन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी

क्योंकि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली दे, देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई यू वो नहीं लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बी को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज में आर टी टीम वर्क और डबल वी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रेड जॉइंट मूवीज देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज्यादातर मूवीज किस तरह की देखी हैं मैं बता देता हूं आप लोगों ने ज़्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसे ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही शोर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गत्ता कुश्ती के में के ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहां पर रिलीज की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे

ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन दी गई कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्योरेन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्योरेन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में भी हमें मजा आएगा तो यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को चेला आयुवू देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने जो पास्ट में मूवीज दी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक like इन्होंने यहां पर वीरन दी है मास्टर दी है उसी के साथ साथ यहां पर काला मूवी भी उन्होंने ही दी है आलवर उन्होंने दी है सिंगुम टू उन्होंने दी है गत्ता कुश्ती और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली दे, देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई यू वो नहीं लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा, विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बी को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज में आर टी टीम वर्क और डबल वी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रेड जॉइंट मूवीज देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज़्यादातर मूवीज किस तरह तरह की देखी हैं मैं बता देता हूँ आप लोगों ने ज़्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसे ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गत्ता कुश्ती के बारे में कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन दी गई कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्योरेन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में भी हमें मज़ा आएगा तो यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को चेला आयुवू देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहां पर इन्होंने जो पास्ट में मूवीज दी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक like इन्होंने यहां पर वीरन दी है, मास्टर दी है है मास्टर उसी के साथ साथ यहां पर काला मूवी भी उन्होंने ही दी है आलवर उन्होंने दी है सिंगम टू उन्होंने दी है गत्ता कुश्ती और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली दे, देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई यू वो नहीं लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बी को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज में आर टी टीम वर्क और डबल वी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रेड जॉइंट मूवीज देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज़्यादातर मूवीज किस तरह की देखी हैं मैं बता देता हूं आप लोगों ने ज़्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गता कुश्ती के के में कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन दी गई कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्योरेन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्योरेन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में भी हमें मजा आएगा तो यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को चेला आयुवू देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने जो पास्ट में मूवीज दी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने यहां पर वीरन दी है मास्टर दी है उसी के साथ साथ यहां पर काला मूवी भी उन्होंने ही दी है आलवर उन्होंने दी है सिंगम टू उन्होंने दी है गत्ता कुश्ती और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली दे देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई यू वो नहीं लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा, विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बी को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज में आर टी टीम वर्क और डबल वी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रेड जॉइंट मूवीज देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज़्यादातर मूवीज किस तरह तरह की देखी हैं मैं बता देता हूँ आप लोगों ने ज़्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गता कुश्ती के में के ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहां पर रिलीज की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या, क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन दी गई कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्योरेन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्योरेन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में भी हमें मजा आएगा तो यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को चेला आयुवू देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने जो पास्ट में मूवीज दी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर इन्होंने इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट like लाइक पर वीरन दी है मास्टर दी है उसी के साथ साथ यहां पर काला मूवी भी उन्होंने ही दी है आलवर उन्होंने दी है सिंगम टू उन्होंने दी है गत्ता कुश्ती और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई यू वो नहीं लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बी को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज में आर टी टीम वर्क और डबल वी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रेड जॉइंट मूवीज देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज़्यादातर मूवीज किस तरह तरह की देखी हैं मैं बता देता हूं आप लोगों ने ज़्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गता कुश्ती के में के ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहां पर रिलीज की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लाते रहें तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन दी गई कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्योरेन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्योरेन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में भी हमें मजा आएगा तो यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को चेला आयुवू देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने जो पास्ट में मूवीज दी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इन्होंने इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक पर वीरन दी है मास्टर दी है उसी के साथ साथ यहाँ पर काला मूवी भी उन्होंने ही दी है आलवर उन्होंने दी है सिंगम टू उन्होंने दी है गत्ता कुश्ती और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई यू वो नहीं लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बी को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज में आर टी टीम वर्क और डबल वी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रेड जॉइंट मूवीज देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज़्यादातर मूवीज किस तरह तरह की देखी हैं मैं बता देता हूं आप लोगों ने ज़्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज़ ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गत्ता कुश्ती के में के ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहां पर रिलीज की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन दी गई कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्योरेन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्योरेन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में भी हमें मजा आएगा तो यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को चेला आयुवू देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने जो पास्ट में मूवीज़ लेते हैं तो यहां पर उसी के साथ साथ यहां पर काला मूवी भी उन्होंने दी है आलवर उन्होंने दी है सिंगम टू उन्होंने दी है गत्ता कुश्ती और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई यू वो नहीं लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बी को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज में आर टी टीम वर्क और डबल वी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रेड जॉइंट मूवीज देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज़्यादातर मूवीज किस तरह तरह की देखी हैं मैं बता देता हूं आप लोगों ने ज़्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज़ ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गत्ता कुश्ती के में कि मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहां पर रिलीज की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लाते रहें तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन दी गई कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्योरेन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्योरेन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में भी हमें मजा आएगा तो यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को चेला आयुवू देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने जो पास्ट में में मूवीज़ दी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं तो like यहाँ पर इन्होंने उसी के साथ साथ यहाँ पर काला मूवी भी उन्होंने, ही दी उन्होंने दी है आलवर उन्होंने दी है सिंगम टू उन्होंने दी है गत्ता कुश्ती और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली दे, देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई यू वो नहीं लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बी को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज़ में टीम और डबल वी स्टूडियोज़ देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को देखने को मूवीज़ देखने मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली बन वेल well, तो जी बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ मैं भी और आप लोग भी आप लोगों ने ज्यादातर मूवीज किस तरह की देखी हैं मैं बता देता हूँ आप लोगों ने ज्यादातर एक्शन रोमांटिक उसके बाद साइंटिफिक्शन और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है वो साइंटिफिक्शन के बाद फैंटेसी देखने को मिली होंगी कुछ ऐसी ही आप लोगों को मूवीज़ देखने को मिली होंगी बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक या दो मूवीज़ ही देखी होंगी दैट्स इट इसके अलावा आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स के रिलेटेड मूवी देखी हो हाँ वो लोग हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के लवर हैं और वो सिर्फ स्पोर्ट्स की मूवीज़ ही देखते हैं हाँ वो बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे अभी तक चाहे वो बॉलीवुड से हो साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से हो वो देख चुके होंगे लेकिन अभी फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं एंड उन्हीं में से मैं एक मूवी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जिसको हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ इसका मुआयना करेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गत्ता कुश्ती के

कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके तहत हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की है एंड इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को विष्णु विशाल देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को शत्रु देखने को मिलेगी लीजे एंटनी और रेडिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को चार चांद लगाए हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें कि इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी एक्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मुकम्मल ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन दी गई कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्योरेन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्योरेन तो होनी ही चाहिए एंड यहीं पर हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है एंड अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान भी होगी एंड मूवी देखने में भी हमें मजा आएगा तो यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को चेला आयुवू देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहां पर इन्होंने जो पास्ट में मूवीज दी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने यहां पर वीरन दी है मास्टर दी है उसी के साथ साथ यहां पर काला मूवी भी उन्होंने ही दी है आलवर उन्होंने दी है सिंगुम ट्रू उन्होंने दी है गत्ता कुश्ती और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली दे, देखनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल की गई है तो ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई थी जिसे इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे ले दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है प्योर हिंदी जुबान में नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन किसने लिखी प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर चेला आई यू वो नहीं लिखा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी लाइन हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रवि तेजा विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्यन रमेश आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करते चलें तो रिचर्ड एम नथन आप लोगों को इस मूवी की यहां पर सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रसन्न जी के देखने को मिलेंगे एंड म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जस्टिन प्रभाकरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सॉन्ग्स एंड बी को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनीज में आर टी टीम वर्क और डबल वी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रेड जॉइंट मूवीज देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली